कबाब तो आपने बहुत तरह का खाया होगा, पर आज जो मैं आपको कबाब दिखाने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक कबाब है। यहाँ पे बनता है बिहारी कबाब और आटे का कबाब, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शाकिर वाइंस। आज हम लोग आए हैं कोलकाता के फूलबागान एरिया में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं बिहारी कबाब की काफ़ी ज़्यादा टेस्टी यूनिक डिश है। तो इसके साथ और भी एक आपको डिश मिलने वाला है, वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है और वो है रोटी, आटे की रोटी, वो भी लंबे शेप में। लेकिन अभी खाया है? नहीं, रोटी तो सबको ही खाया होगा, गोल रोटी, पर ये वाला रोटी पूरा अलग है, पूरा ही अलग है। जब मैंने सुना और देखा तो एकदम शॉक्ड हो गया। तो अभी हम आपको इसका पूरा रेसिपी दिखाएंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग आपको दिखाते हैं आज बिहारी कबाब। तो यहाँ पे बिहारी कबाब का मेकिंग किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। और ये शॉप को कितना दिन हो गया भैया? 3 साल प्लस। 3 साल प्लस हो गया। यहाँ पे सिर्फ बिहारी कबाब मिलता है? अच्छा, और क्या मिलता है? आटा कबाब। अच्छा, वो इसके साथ ही खाया जाता है? अच्छा, बिहारी कबाब के साथ ही ये वाला आटा कबाब भी खाया जाता है। तो ये बीफ का रहता है ना, बीफ का बिहारी कबाब। इसका प्राइस कितना हो गया? पर पीस बीफ कबाब का 30 रुपया। अच्छा, ये पर पीस जो कबाब है बिहारी कबाब, इसका 30 रुपीज़ प्राइस है। और आटा कबाब जो है वो भी एक बार दिखा देते। आटा कबाब यहाँ पे जैसे कि एक पीस दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो ये हो गया आटा कबाब, मतलब रोटी इसमें मिलाकर ही खाया जाता है ना। और कितना बजे से कितने बजे तक आपका शॉप खुला हुआ रहता है? 5:30 से 9 बजे तक। अच्छा, तो यहाँ पे यही दो आइटम फ़िलहाल अभी मिलते हैं ना। मेकिंग जो इसका शुरू हो चुका है, देख सकते हैं। अब ये लेकर रात के 10 बजे तक यहाँ पे ये कबाब मिलने वाला है। ये हाफ बॉईल करके रख दिया गया है, तो जैसे ही कस्टमर आएंगे उसको गरम गरम इसको रोस्टेड करके कबाब दिया जाता है। लोग आए हैं फूलबागान के मोफिदुल इस्लाम लाइन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो सीधा गली निकल रहा है ये मेन रोड की तरफ, CIT रोड की तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से भी आप जा सकते हो, ये बहुत ही अंदर हम लोग गली में आए। और ये खाने के लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लोकेशन दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लेना। पे अमूल बटर से इसको रोस्टेड किया जाता है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं ना, KG बनता होगा डेली का आप लोग का? 20 किलो बन जाता है डेली। तो ये हमारा कबाब बनकर रेडी हो चुका है, इसमें मसाला वसाला प्याज दे दिया गया। ये आ गया हम लोग का बिहारी कबाब और आटे की रोटी, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है बिहारी कबाब, तो देख सकते हैं उसके साथ हम लोगों ने लिया है यहाँ पे दो आटे की रोटी। ये कौन सा एंगल से रोटी लग रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट टाइम मैं इस तरह का रोटी खाने जा रहा हूँ। देखो, ये आपको देखने में शेप लगेगा कि ये कबाब, तो ये कबाब नहीं है, ये रोटी है। तो ये आटे की रोटी है, तो इसके साथ आप खा सकते हो ये वाला कबाब। तो ये 2 पीस कबाब और 2 पीस रोटी लिया हम लोगों ने। और पता नहीं कौन सा शेप में रोटी बनाया गया है, पता नहीं, पर खाने में लोग कहते हैं कि ये इसको मिक्स करके खाने में अलग ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है। तो इसके साथ दिया गया है ये प्याज और पुदीने की चटनी जो मिक्स हो गया है। और ये है आ रहा है आपका बिहारी कबाब दो। और ये आप देख सकते हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये वाला कबाब। तो जल्दी से हम लोग ट्राई करते हैं भाई, और रहा नहीं जा रहा है, ये देख लो। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ये वाला रोटी एकदम मीठे टाइप की लग रही है, मतलब आप अगर ऐसा सोचते हो कि ये वाला रोटी खाएंगे बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तो ये ऐसा कुछ हार्ड आपको नहीं लगेगा, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है और मीठे टाइप की रोटी है, काफ़ी मज़ेदार है। और कबाब के साथ ये जो रोटी का कॉम्बिनेशन है ना, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया और टेस्टी लग रहा है। 30 रुपीज़ कबाब का, 10 रुपीज़ रोटी का, मतलब ये जो रोटी है इसका प्राइस है 10 रुपीज़ और कबाब का एक सिक्का पर पीस का प्राइस है 30 रुपीज़। उसके साथ आपको सैलड और थोड़ा सा
चटनी भी मिल जाएगा। कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा बढ़िया है, आप अगर आओ तो जरूर ट्राई करो। नॉर्मल जो होटल वगैरह में मिलता है उससे एकदम डिफरेंट कबाब है। इसका टेस्ट जहाँ से इसका शुरुआत हुआ है बिहार से ही हुआ है, इसलिए इसका नाम बिहारी कबाब रखा है। तो अगर आप यहाँ पे मोफिदुल इस्लाम लेन में अगर विजिट करते हो तो ये कबाब मस्ट एक बार ट्राई करना, बहुत ही मज़ा आएगा और एकदम यूनिक डिश है। हम लोग हमेशा चाहते हैं कि आपको कुछ ना कुछ एक डिफरेंट एक यूनिक डिश दिखाए, तो ये वाला काफ़ी ज़्यादा यूनिक और बढ़िया है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वाला कबाब आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करो और यहाँ पर विजिट करो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।